आज के एपिसोड में जानिए कि कैसे फ्रैंकलिन और उसकी आर्मी ने मिलकर लावा गॉड और साथ में ब्लैक गॉड को हराने और ब्लैक गॉड के सिर में एंट्री करने के लिए एक बेहद ही छोटे से वेनम को मैजिकल पत्थर की मदद से एक बेहद ही बड़े और जायंट वेनम में बदल दिया। और साथ में क्या ये वेनम इन लोगों की कुछ मदद कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ आयरन मैन काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में है। लावा गॉड के पास बेहद खतरनाक लावा की शक्ति एक्टिवेट हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं आज की स्टोरी। तो गाइस लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि इस ब्लैक गॉड के सिर में एंट्री करने के लिए हम लोगों ने ये काफी लंबी चौड़ी रोड बनाई जो कि इसके सिर तक जाती थी। हमने सोचा कि कंस्ट्रक्शन मशीन्स और बहुत सारे ड्रिल्स की मदद से इसके सिर में एक बहुत लंबा चौड़ा होल करेंगे और इसके सिर में एंट्री ले लेंगे। और एंट्री लेते ही हम लोग इसके सिर से इस पूरे के पूरे लावा गॉड को जो कि अभी ब्लैक गॉड बन चुका है इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन भाई ये ब्लैक गॉड भाई सही में बहुत ज्यादा शातिर दिमाग का है। वैसे तो ये पत्थर का है, ना ही ये हिल सकता है ना ही ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भाई इसने अपने छोटे वाले भाई यानी कि लावा गॉड को बुला लिया और भाई उस लावा गॉड ने हमारे ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। उसने मीटियोर की शावर करी, उसने बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड वाले जो पत्थर होते हैं वो आसमान से गिराने बरसाने स्टार्ट कर दिए और भाई हम लोगों को ज़बरदस्ती उस वाले रोड से भागना पड़ा अपनी जान बचाकर। लेकिन गाइज मैंने सोच रखा है कि मैं अपने आइडिया को फेल नहीं होने दूंगा। मेरे साथ भाई आइस गॉड है जिसके पास लावा गॉड की शक्ति है और भाई ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और सुपर पावर के साथ में पैक्ड है। बिल्कुल ये हमारी मदद करने के लिए रेडी है। लेकिन यार दिक्कत ये है कि ये भी ब्लैक गॉड के सिर के अंदर हमारी एंट्री डायरेक्टली दिला नहीं सकता है, तो हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। वेट अ सेकंड गाइस, आप लोगों को कुछ दिखाई दिया वहाँ पे? एक सेकंड, वो क्या है भाई? मेरे ख्याल से कोई शेर वेर तो नहीं है। एक सेकंड, मैं ना अपना मोबाइल फोन ऑन करता हूँ यहाँ से और कैमरा पे विजिट करते हैं और फिर देखते हैं जूम करके। अरे हाँ भाई ये देखो, ओ माय गॉड ये तो सही में एक लायन है, ये तो माउंटेन लायन है भाई, ये तो वेट कर रहा है यहाँ पे। एक सेकंड भाई, ये कहीं पंगा तो नहीं लेना चाह रहा हमारे साथ? भाई सामने इसके कौन है इसे पता भी है? भाई ये देखो हमारा खतरनाक आइस गॉड एक तरफ और दूसरी तरफ वो छोटा सा नकली लायन। वैसे तो वो असली है लेकिन भाई फिर भी हमारे आइस गॉड के सामने कोई टिक नहीं सकता। चलो छोड़ो, खैर वो हम पे क्या ही हमला करेगा, हमारे साथ हमारा चॉप भी है ही। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ चले गए थे? इधर आओ यार, मेरे को ठंड लग रही है, बारिश हो रही है। अरे भाई मेरे को भी ठंड लग रही है। अरे फ्रैंकलिन तेरे पास कोई आइडिया है उस ब्लैक गॉड का करना क्या है, उसके सिर में एंट्री करनी कैसे है? अरे यार वही सब तो मैं सोचने गया था भाई, लेकिन वो ब्लैक गॉड का बच्चा सही में बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग का है। अरे यार उसने तो अब अपने भाई यानी कि लावा गॉड को भी बुला ही लिया है। अरे हाँ इसलिए तो हम लोग उसके पास अब जा नहीं सकते, नहीं तो वो लावा गॉड जो है वो हमारे ऊपर हमला कर देगा। अरे फ्रैंकलिन भैया आप बोलो तो यार मैं कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूं। लेकिन गाइज वो मेरे ख्याल से जो लावा गॉड है वो सारी चीजों को खत्म कर देगा, तू कुछ भी ड्रॉ कर ले। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया फिर अपना दिमाग लगाओ। अरे मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ? अरे हाँ हाँ बता बता यार, आइस गॉड तेरी ही तो जरूरत है। लेकिन तुम्हारे को ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हारे को वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फटाफट से। ठीक है इम्प्लीमेंट तो कर लेंगे, लेकिन बताना क्या चाहता है? तुम्हारे को एक ऐसा सुपर हीरो चाहिए जो कि ब्लैक पावर्स का इस्तेमाल करता हो। ब्लैक पावर्स का इस्तेमाल करता हो, ऐसा कौन सा सुपर हीरो है गाइस? मेरे को तो नहीं पता ऐसा कोई भी सुपर हीरो जो कि ब्लैक पावर्स का इस्तेमाल करता हो और साथ में वो ब्लैक हो। ब्लैक हो, एक सेकंड, बैटमैन कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल करता है? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, बैटमैन तो थोड़ा थोड़ा ग्रे और ब्लैक है। अरे भाई उसके पास तो यार बैट की शक्तियां हैं, बैटमैन चलेगा क्या? अरे वो तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे को कोई ऐसा सुपर हीरो मिल जाए जो कि ब्लैक पावर्स का इस्तेमाल करता हो तो तुम ब्लैक पावर्स के इस्तेमाल से उस ब्लैक गॉड को खत्म कर सकते हो और उसके सिर में एंट्री भी ले सकते हो। अरे वाह यार ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया। लेकिन यार ब्लैक सुपर हीरो ये कौन सा सुपर हीरो है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया स्पाइडरमैन। अरे भाई मेरे ख्याल से आयरन मैन। अरे यार ये तो सही में घोंचू है, स्पाइडरमैन रेड होता है, आयरन मैन मैं हूँ यानी कि मैं हूँ रेड एंड येलो। अरे यार मेरे ख्याल से वो मैं हूँ। अरे यार तो तू तो ग्रीन है यार, सही में तू भी घोंचू है। अरे यार दिमाग लगाओ, सभी लोग दिमाग लगाओ। गाइज एक काम करो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप लोगों को कोई ऐसा सुपर हीरो पता है जो कि प्योर ब्लैक हो और ब्लैक पावर्स का इस्तेमाल करता हो। अरे फ्रैंकलिन भैया पता चल गया पता, ब्लैक गॉड। अरे यार तू घोंचू है सिंचन, ब्लैक गॉड सुपर हीरो नहीं भाई, ये सुपर विलन है, इसी के तो सिर में एंट्री करनी है। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया मैं भी घोंचू ही हूँ। अरे भाई मेरे ख्याल से तो वेनम या फिर वेनम के बदले मैं भी ब्लैक ही हूँ। अरे यार एक सेकंड जॉब, तूने क्या बोला? वेनम बोला मैंने तो। अरे हाँ गाइस वेनम भाई, वेनम बिल्कुल सही बोला हमारे चॉप ने। अरे क्या बोल रहे फ्रैंकलिन भैया, हमारा चॉप इतना ज्यादा तेज कब से हो गया? अरे भाई सही बोला क्या मैंने? अरे हाँ वेनम तो यार बिल्कुल सही है,
क्यों भाई, आइस गॉड वेनम एक सही सुपर हीरो रहेगा मेरे ख्याल से। वो ब्लैक पावर्स का भी इस्तेमाल करता है, ब्लैक धुएं और ब्लैक स्मोक में भी कन्वर्ट हो जाता है। अरे हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन वेनम का साइज छोटा नहीं, वेनम का साइज बड़ा होना चाहिए ताकि वो उस ब्लैक गॉड का सामना कर सके और उसके सिर में एंट्री तुम्हारी दिला सके। तो ये सोचना पड़ेगा, ब्लैक गॉड के सिर में एंट्री करने के लिए उसका साइज बड़ा होना चाहिए। अरे फ्रैंकलिन भैया आप बोलो तो मैं उसे बुला लूं। अरे यार वो बड़ा ही जिद्दी है, वो हमारी मदद नहीं करेगा। एक काम करते हैं यार, आयरन मैन तू जा, तू फटाफट से अपने सूट का इस्तेमाल कर और रॉकेट वगैरह ऑन कर और फटाफट से पहुंच जा उसके पास और थोड़ा रिक्वेस्ट कर लियो यार, हाथ पैर जोड़ लियो, नहीं तो वो आएगा नहीं। अरे हाँ बात तो सही है, वो सही में हमारी मदद करने ऐसे तो नहीं आएगा, थोड़ा हाथ पैर जोड़ना ही पड़ेगा। बोलियो यार, हम लोग काफ़ी बड़ी मुसीबत में है और हम लोग यार उसे एंड में ना एक ट्रीट देंगे, एक प्राइस वगैरह दे देंगे, मतलब तू ऐसे बोल दियो उसे। अरे ठीक है मैं उसे बहला फुसला के यहाँ पे ले आता हूँ। चलो गाइस तब तक ये वेनम को ला रहा है, उसके बाद बाकी चीजें हम सोचते हैं। तो चलो गाइस मैं फाइनली रेडी हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया ये सामने कौन है? अरे यार सामने तो मेरी ख्याल से वो एक छोटी सी लोमड़ी थी। अरे हाँ तू जा यार आयरन मैन, फटाफट से जा और फटाफट से देख के आ कि वो वेनम का बच्चा है कहाँ पे। चलो ठीक है यार, चलो हम चलते। अरे अरे ये क्या हो रहा है, मेरा सूट बीच बीच में काम करना यार बंद कर देता है। कोई बात नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया आयरन मैन तो रेडी हो गया। अरे हाँ जरा हम देख तो लें इस खतरनाक से ब्लैक गॉड को थोड़ा पैसे। अरे भाई कलवे वो कहाँ जा रहा है? अरे यार मेरे ख्याल से वो ब्लैक गॉड को देखने गया है। अरे वाह ये ब्लैक गॉड का बच्चा तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वेट अ सेकंड, ये क्या है सामने? सामने तो यार ये खतरनाक वाला लावा गॉड है। अरे बापरे ये लावा गॉड का बच्चा यहाँ पे कर क्या रहा है? अरे हाँ ये लावा गॉड का बच्चा तो यार अपने भाई यानी कि ब्लैक गॉड को बचाने के लिए यहाँ पे तो यार रेडी बैठा पड़ा है मेरे ख्याल से। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से यार लावा गॉड के साइड से चलते हैं और भाई थोड़ा इससे पंगा लिया जाए। मेरे ख्याल से पंगा लेना चाहिए कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। एक सेकंड, ओह माय गॉड ये तो यार खतरनाक लावा की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। और भाई लावा गॉड कैसा है? तुम लोगों ने मेरे भाई से पंगा लेने की सोची भी कैसे, रोड बनाकर उसके सिर में एंट्री करोगे? मेरे को सब कुछ पता चल गया है, अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ेगा नहीं? हम भी तेरे को नहीं छोड़ेंगे, समझा क्या? तेरी इतनी हिम्मत, अरे तू छोटा पिद्दी है। मेरे से नहीं बच सकता। अरे यार मैं तो तेरे से यूं बच जाऊं और तेरे को भी साथ में खत्म कर दूं, समझा क्या? एक सेकंड ये बहुत ही ज्यादा बन रहा है, ये लावा गॉड का बच्चा, रुक जा अभी मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ। ये ले 3-2-1 खतरनाक वाली लेजर का। ये क्या कर रहा है? मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे क्या बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है? ये ले ये देख क्रॉस में लेजर डालूंगा। ये ले ये, अरे एक सेकंड मेरे लेजर कहाँ चले गए? मेरे लेजर एक सेकंड काम कर रहे। अरे नहीं लेजर की शक्ति कम हो गई। एक सेकंड ये बंदा कुछ ज्यादा ही फालतू बोल रहा है। ये लावा गॉड को रुक जा मैं अभी बताता हूँ। ये काफी खतरनाक वाली पावर का इस्तेमाल करूंगा और तेरे को खत्म कर दूंगा। ये ले इन शक्तियों से तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ इन खतरनाक वाली फायर की शक्तियों से, लावा की शक्तियों से। अरे क्या बोला, लावा की शक्ति? अरे हाँ बात तो सही है, इसके पास खतरनाक लावा की शक्ति है। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। अरे उससे पहले ही मैं तेरे को एक बहुत ही तगड़ा पंच मारूंगा, वो भी तेरी नाक पे ढिसकिया। अरे 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 बापरे ये क्या हो गया? अब मैं तेरे को आग में फंसा लूंगा। अरे बापरे, अरे नहीं, अरे मेरी शक्तियां कहाँ चली गई? क्यों आया मजा? अब तेरा काम तमाम। अरे नहीं यार गाइज, इसने तो मेरी शक्तियाँ ही खत्म कर दी। वेट, मेरी शक्तियाँ कहाँ चली गई? अरे ये तो एक्टिवेट ही नहीं हो रही। अरे बापरे मेरे को इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। अरे हाँ मेरी शक्तियाँ एक्टिवेट हो गई। अरे बापरे मैं एक काम करता हूँ, मैं चुपके यहाँ से निकल जाता हूँ इससे पहले इसको पता चले। चलो यार फाइनली मैं बच गया। अरे लेकिन ये क्या हो रहा है, मेरी शक्तियाँ तो दोबारा से खत्म हो गई। अरे बापरे मेरे को तो समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। अरे यार मेरी शक्तियाँ एक्टिवेट ही नहीं हो रही। अरे यार इस लावा गॉड के बच्चे ने तो मेरी सारी की सारी शक्तियों को खत्म कर दिया। बचाओ। अरे यार मैं तो अब उठ भी नहीं पा रहा। बचाओ। अब मैं कैसे जाऊंगा वेनम को ढूंढने? इसलिए बोलते हैं लावा गॉड से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। मेरे दोस्त लोग तेरे को छोड़ेंगे नहीं, वो तेरे को और तेरे भाई ब्लैक गॉड को जरूर हराएंगे।
ऐसा कभी नहीं होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, काफी ज्यादा टाइम हो गया लेकिन आयरन मैन तो उस वेनम को लेके आया ही नहीं। अरे हाँ यार शिनचैन, मैं भी वही सोच रहा हूँ, और वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि वो लावा गोड का बच्चा वापिस आ चुका है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, वो तो वहीं पे था। अरे नहीं एक सेकंड, मैंने अभी पता है कुछ यूनिक देखा है। अरे क्या देख लिया फ्रैंकलिन भैया? वो लावा गोड एक्चुअली ना फायर वाली लावा वाली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। अरे जरा मैं भी तो देख लूं फ्रैंकलिन भैया। अरे भाई यार शिनचैन तू आगे मत जा। अरे यार नहीं जा रहा हूँ एक सेकंड। अरे हाँ वहाँ पे तो यार वो काफी सारा फायर वगैरह निकाल रहा है अपने हाथ से। अरे भाई अब क्या करेंगे कलवे? अरे यार पता नहीं कहीं ऐसा ना हुआ हो कि यार हमारा आयरन मैन किसी मुसीबत में फंस गया हो। अरे फ्रैंकलिन भैया यार टाइम निकलता जा रहा है, आप बोलो तो यार मैं ही वेनम को बुला लूं। अरे भाई बुला ले यार, तू ही बुला ले। ठीक है यार शिनचैन, तू एक काम कर, तू ही अपनी पेंटिंग का इस्तेमाल कर और उस वेनम को ड्रॉ कर दे फटाफट से, जिससे कि वो हमारे पास आ जाए। अरे फ्रैंकलिन भैया चलो फटाफट से ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो वेनम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट वाला वेनम हो और वो हमें बिल्कुल भी ना पहचानता हो। अरे कोई बात नहीं, तू फटाफट से बस ड्रॉ करना स्टार्ट कर दे। चलो गाइस फटाफट से यार ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखो गाइस फाइनली मैंने पेंटिंग खोल ली है, फटाफट से यार ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। अरे भाई तूने तो यार स्टार्ट भी कर दिया। अरे हाँ यार मेरे को सब कुछ क्लियर है मेरे माइंड में कि बनाना क्या है। अरे भाई तेरे को बनाना क्या है? अरे यार वेनम बनाना है, लेकिन यार मैं फटाफट से बना रहा हूँ। देखो गाइस मैंने यहाँ पे खतरनाक वाला वेनम बनाना स्टार्ट कर दिया। अरे हाँ शिनचैन तू बस ऐसी बनाता रहे, फटाफट से बना, हम आज किसी ना किसी तरीके से इन दोनों को सबक सिखा कर रहेंगे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया। अरे जल्दी बनाना शिनचैन। अरे मैंने यार काफी ज्यादा यहाँ पे हिस्से बना दिए हैं, तुम लोग देख सकते हो, इसके हैंड्स वगैरह भी बना दिए हैं और यहाँ पे अब मैं इसके लेग्स की तरफ बढ़ चुका हूँ। अरे भाई तू बहुत ही अच्छे से बना रहा है यार, फटाफट से बना। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मेरे को तो यार आयरन मैन की चिंता हो रही है। अरे तू चिंता मत कर यार, आयरन मैन जो है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, शक्तिशाली तो है लेकिन क्या पता यार वो बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अरे हाँ हो सकता है मुसीबत में हो, लेकिन तू बस ड्राइंग पे फोकस कर। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया ड्राइंग पे तो फोकस कर रहा हूँ मैं, लेकिन यार आयरन मैन अगर वापस नहीं आया तो? अरे चिंता मत कर, वो वापस आ जाएगा, क्योंकि यार वो हमारे को लगातार सिग्नल्स भेज रहा है और हम किसी ना किसी तरीके से उसकी मदद जरूर करेंगे। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, हम उसको बाद में ढूंढने जरूर जाएंगे, लेकिन तब तक गाइस ये देखो मैं अपने ड्राइंग को फिनिश करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और ये देखो मैंने काफी अच्छे तरीके से आउटलाइनिंग भी स्टार्ट कर दी। अरे वाह तूने तो यार कमाल कर दिया, सही में कमाल कर दिया। अरे भाई ये देखो यार कितने बढ़िया तरीके से आउटलाइनिंग की है हमारे शिनचैन ने। अरे हाँ ये देखो गाइस, अब मैं इसके लेग्स वगैरह को भी काफी बढ़िया तरीके से बना देता हूँ, ये काफी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे ये रॉक यानी कि एक पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ है वो भी मैं बना देता हूँ। अरे भाई अब क्या करेगा? अरे यार अब मैं करूंगा इसमें कलर। ओ माय गॉड ये देखो इसका बहुत ही खतरनाक कलर, ब्लैक कलर मैंने कर दिया है, इसकी आंखों में भी कलर कर दिया है। और अब मैं एक काम करता हूँ, इस रॉक को कंप्लीट करके इसमें भी कलर कर देता हूँ। अरे कौन सा कलर? अरे पत्थर का कलर ऐसे ही डाल देंगे, येलो डाल दिया वैसे भी मैंने। अरे भाई ये क्या बना रहा है? अरे यार ये है खतरनाक वेनम की शक्ति, यानी कि ये कोई नॉर्मल वेनम नहीं है। अरे भाई ये तो यार बहुत ही तगड़ी वाली शक्ति डाल रहा तू। अरे हाँ इसमें खतरनाक पावर्स डाल रहा हूँ, देख लो गाइस ये है खतरनाक वेनम की पावर्स जो कि मैं इस वाले वेनम के अंदर डाल रहा हूँ। अरे वाह यार शिनचैन तूने तो ये कुछ डिफरेंट कुछ अलग बना दिया। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया हमारा वेनम काफी खतरनाक लग रहा है, अब इसमें थोड़ा सा शेड वेड कर देते हैं जिससे कि ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगे और थोड़ा सा यार 3D लुक आ जाए। और भाई तूने और जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाया। ओ माय गॉड ये देखो यार कितने बढ़िया तरीके से शेडिंग कर दी इसने। अरे हाँ तू तो कमाल कर रहा है शिनचैन। अरे थैंक यू। ये देखो गाइस कितने अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है इसको, लगभग मेरे ख्याल से ये 95% कंप्लीट हो चुका है, बस बाकी का 5% भी कंप्लीट करते हैं। स्पेशली मेरे को इसके दांत अच्छे लग रहे हैं। अरे यार शिनचैन तू एक काम कर, इसका जो दांत है वो तो ठीक है, तू इसके मुंह के अंदर का हिस्सा भी बना दे, मतलब इसकी जीभ वगैरह भी बना दे और रेड कलर कर दियो। ठीक है फ्रैंकलिन भैया मैं इसके माउथ के हिस्से को भी कंप्लीट कर देता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा हो चुका है, फ्रैंकलिन भैया ने बोला है कि माउथ वगैरह भी बना देते, तो माउथ बना देते हैं। ये लो फ्रैंकलिन भैया बना दिया, अब फटाफट से इसे देख लेते हैं। चलो गाइस 3, 2, 1 लेट्स गो। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो यार फाइनली वेनम बन के तैयार हो चुका है। अरे भाई बात तो सही है यार, ये तो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है, क्यों भाई कलवे? अरे हाँ यार शिनचैन तूने तो सही में कमाल कर दिया। अरे मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, ये तो पहले वाले वेनम से भी ज्यादा खूंखार और ज्यादा ताकतवर लग रहा है। हाँ तुमने काफी अच्छा दिमाग लगाया, वेनम के पास वो ब्लैक पावर्स है और तुम इससे वो काम करवा सकते हो। अरे वाह अब तो मजा आ गया, अब तो यार हमारा काम आसान हो जाएगा।
तुम लोगों ने मेरे को क्यों बुलाया है और तुम लोग हो कौन? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, ये तो हमें पहचानता ही नहीं। अरे हाँ, पहचानेगा कैसे, क्योंकि हमारा वाला वेनम कोई डिफरेंट वेनम था, वो नॉर्मल साइज का था, ये थोड़ा सा बड़ा साइज का आया है। अरे फ्रैंकलिन भैया, मेरे ख्याल से ये कोई डिफरेंट वेनम है, कुछ अलग ही टाइप का दिख रहा है, ये तो ज्यादा पावरफुल लग रहा है मेरे को तो। है जल्दी बताओ मेरे को क्यों बुलाया है। अरे यार रुक जा यार, वेनम बता रहे हैं वेट। एक और चीज कि इसका साइज अभी बहुत छोटा है, तुम्हें इसे अपग्रेड करना पड़ेगा इससे पहले कि तुम इसका इस्तेमाल कर सको। ये अभी बहुत ही छोटे साइज का है, मैं तुम्हें तरीके बताता हूँ कि तुम इसे कैसे अपग्रेड कर सकते हो और इस वाले वेनम का साइज इंक्रीज कर सकते हो। अरे फ्रैंकलिन भैया सुना आपने? अरे हाँ सुना मैंने, सुना। इसका मतलब हम लोगों को इसका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम इंक्रीज कर लेंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को बताओ कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है, जल्दी बताओ नहीं तो मैं भाग जाऊंगा या फिर किसी को उठा के ले जाऊंगा यहाँ से। वाह, ये सारे बंदे तो बड़े ही सही लग रहे हैं, चलो इनमें से किसी एक को पकड़ लूं। अरे यार तू हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। क्या बोला, बात तो सही है, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बुलाया है तो तुम सभी लोग मेरे दोस्त हुए। एक सेकेंड, मुझे बताओ ये कौन है? ये एक्चुअली आइस लावा गॉड है। आइस लावा गॉड, अच्छा नाम तो मैंने सुना है इसका, लेकिन वो कौन है? वो तो मेरे टाइप का लगता है, ब्लैक ब्लैक। हाँ उसका नाम यार क्या बोले, ब्लैक गॉड बोल सकते हैं उसे। ब्लैक गॉड, ये तो कोई नई प्रजाति का गॉड है। अरे नहीं, वो पहले ना लावा गॉड हुआ करता था, लेकिन जैसे ही हमारे आइस लावा गॉड ने उसकी सारी लावा की शक्ति अपने पेट में एब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद वो एक पत्थर का गॉड बन गया, यानी कि ब्लैक गॉड। इंटरेस्टिंग, बड़ा ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा तुम्हारे इस कहानी को सुनकर। अरे कहानी नहीं है ये, बिल्कुल सच बात है। अरे हाँ सच बात है यार, हम झूठ नहीं बोल रहे, और एक्चुअली तेरी मदद हमें इसी चीज के लिए चाहिए, ये जो तू ब्लैक गॉड देख रहा है। हाँ देख तो पा रहा हूँ, ब्लैक गॉड भी दिख रहा है मेरे को और साथ में वो लावा गॉड भी दिख रहा है उधर। हाँ हाँ, तो ये जो ब्लैक गॉड है इसके सिर में एंट्री चाहिए। एंट्री तो मैं करवाता ही हूँ मैं चारों तरफ की एंट्रियां करवा सकता हूँ, स्मोक में कन्वर्ट हो सकता हूँ, और भी खतरनाक पावर्स हैं। अरे ठीक है, अपने पावर्स का प्रचार यानी कि एडवर्टाइजमेंट मत कर यहाँ पे। ये तो यार नकचिड़ा बंदा लगता है, कौन है भाई तू? तू हल्क है ना? हाँ हल्क नाम है मेरा। ठीक है, देख लूंगा बाद में। अरे अभी देख ले, ये देख कितना मस्त दिखता हूँ मैं, ग्रीन कलर का। अरे वो सब ठीक है यार, आप जल्दी से बताओ फ्रैंकलिन भैया करना क्या है। अरे रुक जा यार, अभी हमें इसे अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारा आइस गॉड बोल रहा है कि हमें अभी वेनम का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि यार वो जो खतरनाक वाला ब्लैक गॉड है उससे हम फाइट ले सके। वैसे तो वो फाइट नहीं ले पाएगा, वो तो मूर्ति है, लेकिन मेन फाइट करना हमें रेड लावा गॉड से, और ब्लैक गॉड के सिर में एंट्री चाहिए। जल्दी बताओ तुम लोगों को कौन सी मदद चाहिए, फिर मैं सारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अरे यार मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि इसका साइज हमें इंक्रीज करना कैसे है, मतलब अपग्रेड कैसे करना है, क्या करना है। चलो यार एक बार ना मैं आइस गॉड से ही पूछ लेता हूँ। अरे आइस गॉड बोलो फ्रैंकलिन। अरे इसका साइज हम कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि आपको तो पता ही है, देखो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अभी मैं अगर इसके बगल में खड़ा होने की कोशिश करूँ तो वैसे तो देखो ये मेरे से बड़ा है, देखो इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा मेरे से बड़ा है, लेकिन भाई कंपेयर करें अगर इसे उस खतरनाक वाले ब्लैक गॉड से, तब तो भाई इसका साइज़ कुछ नहीं है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, उसके सामने तो ये पिद्दी है। मेरे को पिद्दी बोलने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं चाहूँ तो सबको ख़त्म कर सकता हूँ, उस रेड लावा गॉड को भी। अरे यार तेरे को अभी कुछ नहीं करना। नहीं मैं तो अभी जा रहा हूँ उसके पास। अरे इतना ज़िद्दी मत बन, अभी तेरे साइज़ को हम इंक्रीज करेंगे, अपग्रेड करेंगे, उसके बाद तू उस पे हमला कर सकता है। नहीं मैं तो जा रहा हूँ। अरे रोको उसे जल्दी से। अरे यार कैसे रोकूं मैं इसे, एक सेकंड अभी जाके फटाफट से उसे रोकता हूँ। अरे यार नहीं ये तो चला गया। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो भाग रहा है यहाँ से। अरे भागूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा कि वेनम की शक्तियों से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो ये रेड वाले लावा गॉड ही क्यों ना हो। अरे नहीं तू अभी वापस आ जा, क्योंकि तेरी शक्तियां अभी कम पड़ेंगी, क्योंकि तेरा साइज अभी अपग्रेड नहीं हुआ है। मेरे को मेरा साइज अपग्रेड करने की जरूरत है ही नहीं। अरे बाप रे पानी में घुस गया मैं तो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी इस रेड लावा गॉड की पैंड ही बजा दूंगा। ये कौन बला आ गया मेरे सामने? अरे मेरे को एक बला बोलने की तेरी इतनी हिम्मत?
लगता है कोई नया नमूना आया है। एक सेकंड, ये क्या, ये क्या है, ये फायर तो नहीं? अरे नहीं, अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गरम गरम है। तू मेरे से बचेगा नहीं। अरे यार, ये तो सही में काफी ताकतवर लग रहा है। मेरे को लगा कि ये लावा गॉड का बच्चा बिल्कुल कमजोर होगा, लेकिन ये सही में बहुत ताकतवर है। कोई बात नहीं, मैं तब भी इसको हरा दूंगा। अरे बाप रे, ये तो सही में बहुत खतरनाक लावा की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। नहीं नहीं, इसने तो पटक के फेंक दिया मेरे को। अरे बाप रे, एक सेकंड, अभी इसे बताता हूँ। मेरी शक्तियाँ देखना चाहता है लावा गॉड। अपनी शक्ति तो तूने दिखा दी, लेकिन मेरी शक्तियाँ भी कुछ कम नहीं। ये देख, ये बूम देखा, ये देख, ये बूम देखा। ये सब तो छोटे बच्चों का कमाल है। मैं जो कमाल दिखाता हूँ, मेरे सामने तो ठीक नहीं सकता। क्या बोला? मैं जो शक्तियां दिखा रहा हूँ, छोटे बच्चे दिखाते हैं? तेरी इतनी हिम्मत। ये देख, ये ऐसे इसे पकड़ के चबा जाऊंगा। ये ले देखा, मेरे पास भी बहुत खतरनाक शक्तियां हैं। अभी मैं दूसरी शक्ति दिखाता हूँ। ये शक्ति और भी खतरनाक है। इसका इस्तेमाल करते ही सभी लोग खत्म हो जाते हैं। मैं इस शक्ति का कुछ ऐसे इस्तेमाल करता हूँ। ये बूम, ये ये बहुत ही बचकानी शक्तियां हैं। मेरी शक्तियों के सामने तो टिक नहीं सकता छोटे प्राणी। अरे ये तो मेरे को छोटा प्राणी बोल रहा है। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये देख दूसरी शक्ति, देख ये शक्ति से मैं कुछ कमाल करके दिखा सकता हूँ। ये है दूसरी शक्ति, कुछ ऐसे इस शक्ति से मैं ऐसे कर सकता हूँ, कुछ ऐसे ये ऐसे मजा ही आ गया। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, समझा क्या? अभी मैं तेरे को दिखाता हूँ टकलू कहीं के। हे टकलू, क्यों बोला? अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे रुक जा, ये ले। अब इसके पैर पे वार करता हूँ। 3 2 1, ये कुछ ऐसे। अरे अरे अरे, बचाओ, इसने तो मेरे को पकड़ लिया। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। अब तू कहीं भी बच के नहीं जा सकता। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, लगता है यार उस वेनम को पकड़ लिया लावा गॉड ने। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। ये तो बहुत ही गड़बड़ कर दिया। तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये ले, ये ये ये, ये ले। अरे वाह, मैं बच गया, मैं बच गया। अब तो मैं इसके शरीर पे दौड़ सकता हूँ। क्या बोला, ये क्या कर रहा है? अरे वाह, अरे नहीं, अरे बाप रे, भागना पड़ेगा यार, ये तो सही में बड़ा ही खतरनाक है। डर के भाग गया। मैं वापिस आऊंगा अपग्रेड करके अपनी शक्तियों को, और अपना साइज भी अपग्रेड करके। अरे जाता हूँ अब मैं अपने दोस्तों के पास, उन्हीं से साइज अपग्रेड करा लेता हूँ, नहीं तो ये तो मेरे को खत्म कर देगा। चलो चलो, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। अरे यार, मेरी शक्तियों को उसने काफी ज्यादा कम कर दिया, इसलिए मेरे को गाड़ी लेनी पड़ी। अब गाड़ी लेके फटाफट से यहाँ से निकल जाता हूँ। अरे छोड़ूंगा नहीं, तेरे पास जरूर लौट कर वापिस आऊंगा लावा गॉड के बच्चे। चलो चलो, मेरे दोस्त लोग सही बोल रहे थे कि मेरे को अपनी शक्तियों को अपग्रेड कर लेना चाहिए था। उसके बाद अपने दोस्त लोगों की एंट्री दिला दूंगा उस ब्लैक गॉड के सिर के अंदर। फिर आएगा मजा, फिर तो मैं इस रेड लावा गॉड को छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, मेरे दोस्तों। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये देखो वेनम का बच्चा आ गया। अरे यार, मैं कह रहा था मेरी शक्तियां अपग्रेड कर दो प्लीज। मैं तो तेरे को बोल ही रहा था कि तू अपनी शक्तियों को बिना अपग्रेड करे हुए उसके पास जाइयो मत। कैसी रही तेरी फाइट? अरे यार, इसने मेरे को हरा ही दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन मैं बच के भाग के निकल के वहां से यहां आ गया। अरे तू इधर आया कैसे? अरे एक गाड़ी की मदद से, क्योंकि उसने मेरी शक्तियों को काफी ज्यादा कम कर दिया था। अरे ठीक है, अब तेरी शक्तियों को हम अपग्रेड करेंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया, कुछ दिमाग लगाओ। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि हम लोगों को यार आइस लावा गॉड से ही पूछ लेना चाहिए। अरे आइस लावा गॉड, ये रहा ना। अरे भाई आइस लावा गॉड, मेरी शक्तियों को अपग्रेड कर दे। तुम्हारी शक्तियाँ अपग्रेड ऐसे नहीं होंगी। तुम्हारी शक्तियों को अपग्रेड करने के लिए एक मैजिकल स्टोन की जरूरत होगी। मैजिकल स्टोन? वो है एक ब्लैक स्मोक मैजिकल स्टोन। ब्लैक स्मोक मैजिकल स्टोन? अरे बाप रे, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा। तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। फ्रैंकलिन भैया, हमारे आइस लावा गॉड ने भी बेइज्जती कर दी। अरे यहाँ पे तो सभी लोग बेइज्जती करने वाले हैं।
मैं तुम लोगों की मदद नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं सॉरी। अरे हाँ यार सॉरी सॉरी, ऐसे मत कर। चल चल अब फटाफट से हम लोग चलते हैं और तेरा वो जो क्या बोलते हैं ब्लैक स्मोक स्टोन जो है उसको ढूंढने चलते हैं। हाँ, ब्लैक मैजिकल स्टोन जो भी है, चलो चलो फटाफट से ढूंढने चलते हैं। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? वो मिलेगा तुम लोगों को एक टापू किनारे। टापू किनारे, ठीक है चलो चलते हैं भाई। कैसे चलना है, कहाँ है हेलीकॉप्टर? अरे हेलीकॉप्टर नहीं है यार, हम लोग इतने अमीर नहीं है। अरे तो जेट मंगवा लो यार। अरे यार जेट का भी इंतजाम नहीं है हमारे पास, चलो यार पैदल ही चलना पड़ेगा, नहीं तो उधर एक गाड़ी है। अरे तुम लोग बोलो तो मैं यहीं रुक जाऊं। है तेरी ही तो जरूरत पड़ेगी, तू ही तो उठा के लाएगा वो मैजिकल स्टोन। मैं नहीं लाऊंगा उठा के। अरे यार ये तो सही में बड़ा ही घमंडी और जिद्दी है। अरे चलो चलो फ्रैंकलिन भैया। अरे तुम लोगों को चलना तो आ जाओ, मैं तो चला। तो ये देखो गाइस, हम लोग यार अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए थे उस ब्लैक वाले मैजिकल स्टोन को ढूंढने के लिए। अरे फ्रैंकलिन भैया, और ये देखो यार चारों तरफ यार कोहरा ही कोहरा हो चुका है और खतरनाक वाली बिजली भी कड़कने लग चुकी है। अरे भाई मेरे को तो बहुत ठंड लग रहा है। अरे ठंड तो मेरे को नहीं लगता है बिल्कुल भी। अरे ठीक है यार, तू वैनम है वैसे भी। अरे एक सेकंड गाइस, एक काम करते हैं, वो देखो वहाँ पे एक बंदा दिख रहा है, उसके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि यार हमारे को कोई बोट मिल पाएगी आसपास। अरे फ्रैंकलिन भैया ये रहे वो अंकल। अरे हाँ एक मिनट, मैं निकल जाता हूँ गाड़ी से। और एक मिनट, ये भाई साहब तो मेरे ख्याल से इधर ही रहते होंगे। अरे जल्दी पूछ लेना फ्रैंकलिन। अरे भाई साहब भाई साहब। हैं भाई बताए। भाई साहब इधर कोई बोट वगैरह मिलेगी क्या? हैं बोट तो हम लोग देते हैं, हमारा बोट नहीं पड़ा। बोर्ड? कौन सा बोर्ड भाई, इन्होंने कोई बोर्ड लगा रखा है क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ चले गए? फॉर सेल फोर क्लोजर, पता नहीं यार जो भी सिस्टम है मेरे ख्याल से सेल वेल कुछ कर रहे हैं, ये सेल वेल के लिए कुछ लगा रखी है। अरे सेल वेल कर रहे हो क्या आप? पूरा घर बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मेरे को एक्चुअली एक बोर्ड चाहिए, आपकी कोई बोट है क्या आसपास? हाँ सामने है। एक सेकंड, सामने कहाँ है बोर्ड भाई, मेरे को तो दिख नहीं रही। एक मिनट, बोर्ड कहाँ है बोर्ड भाई? अरे 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 भाई मैं नीचे गिर गया था अभी लुढ़क के। अरे भाई साहब कहाँ चले गए तुम? अंकल मैं ये कह रहा था कि क्या मैं आपका ये बोर्ड थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? 1000 रुपए देने पड़ेंगे एक घंटे के लिए। अरे ठीक है डन मैं दे दूंगा। हाँ फिर कर सकते हो। अरे फ्रैंकलिन भैया आप अकेले जा रहे हो क्या? हाँ मैं जा तो रहा हूँ अकेले, लेकिन मेरे ख्याल से ये काम हल्क को करना चाहिए था। अरे फ्रैंकलिन भैया मत जाओ। अरे नहीं 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 मैं ही जाऊंगा। अरे नहीं यार मत जाओ। अरे भाई वो तो चला गया। अरे एक सेकंड, ये स्टार्ट कैसे होती है? अब स्टार्ट भी करना पड़ेगा इसे। चलो यार फाइनली ये बोट चल पड़ी है और मेरे ख्याल से जो आइस लावा गॉड ने हम लोगों को एक आइलैंड बताया था वो यही वाला आइलैंड होना चाहिए, क्योंकि मैं एग्जैक्ट सही लोकेशन पे आया हूँ। अब भाई मेरे को एक ऐसा स्टोन ढूंढना है जो कि यार ब्लैक मैजिकल स्टोन जैसा दिखता हो। वेट, यहाँ पे आसपास तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। एक काम करता हूँ, यहीं पे अपनी बोट को छोड़ देता हूँ और मेरे को मेरे ख्याल से अब पानी के अंदर जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, ओ माय गॉड ये पानी तो बहुत ठंडा है। और भाई यहाँ पे चारों तरफ लहरें तो देखो गाइस। अरे फ्रैंकलिन भैया आप ओके हो ना? अरे हाँ यार मैं ओके हूँ यार, तुम लोग चिंता मत करो। अरे जल्दी से ढूंढ के आ जाइयो। अरे भाई कलवे कुछ ना कुछ ढूंढ के ही आइयो, ऐसा खाली हाथ मत आइयो। अरे यार इन लोगों को मेरी चिंता से ज्यादा भाई उस ब्लैक मैजिकल स्टोन की चिंता हो रही है। कोई बात नहीं, वैसे देखो यार वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी की मदद से हमारा वेनम जो है वो अपग्रेड हो पाएगा एक खतरनाक ब्लैक सुपर वेनम में। तो ढूंढना पड़ेगा और उसका साइज भी उसी से इंक्रीज होगा। कहाँ है भाई? मैं एक काम करता हूँ, मैं ना डुबकी लगा लेता हूँ भाई, ऐसे तो भाई वो स्टोन मिलने से रहा। फटाफट से डुबकी लगाते हैं। ओ माय गॉड डुबकी तो लगा ली मैंने। अरे बाप रे ये तो बहुत ही गहरा है भाई, मेरे को डर लग रहा है। अरे बाप रे ये क्या चमकने लग गया। अरे कहीं ये कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है? नहीं स्टोन तो नहीं है गाइस। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और ढूंढते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं तो यार वो स्टोन मिल जाना चाहिए। क्योंकि देखो आइस गॉड ने बोला था कि वैसे बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, मतलब ऐसा कोई एक ही स्टोन नहीं है पूरी दुनिया में, मतलब बहुत सारे स्टोन्स होते हैं और भाई वो आइलैंड्स के आसपास ही होते हैं और उनमें से ना बहुत खतरनाक वाली स्मोक निकलती है ब्लैक कलर की। अरे बाप रे मैं तो बाहर आ गया, देखना पड़ेगा यार। अरे मेरे को डर लग रहा है भाई, चलो फटाफट से दोबारा से डुबकी मारते हैं। तो चलो गाइस डुबकी तो मैंने मार दिया, फटाफट से यार वो वाली स्टोन ढूंढते हैं भाई। कहाँ है यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा भाई वो वाली स्टोन मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। एक सेकंड कहीं ये स्टोन ही तो वही स्टोन नहीं है? नहीं यार इसमें से ब्लैक स्मोक तो निकल ही नहीं रही। अरे वेट कुछ चमक रहा है, वेट मेरे ख्याल से यही स्टोन है। अरे हाँ यही तो स्टोन है। ओह माय गॉड मिल गई भाई फाइनली। ओह माय गॉड मिल गई शिनचैन मिल गई। अरे क्या बोल रहे हो फ्रैंकलिन भैया? अरे यार स्टोन मिल गई भाई, इन लोगों को तो यार सही में बहुत मजा आ जाएगा सुन के। चलो फटाफट से यार ये वाली स्टोन यहाँ से उठा लेते हैं और भाई इसे लेकर बाहर चलते हैं। चलो यार बड़ी मुश्किल से मैं धक्का मारते मारते इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। अरे भाई हल्क फटाफट से आ जा, हमारे को स्टोन मिल चुका। अरे ठीक है मैं अभी आता हूँ।
अरे वाह स्टोन तुमने ढूंढ दिया। अरे हाँ भाई तिरली स्टोन हमने ढूंढ निकाला है, अब तू भी आजा फटाफट से, ये वाली स्टोन को यहाँ से लेके चलते हैं फटाफट से आइस गॉड के पास, फिर वो बताएगा कि इससे कैसे हमें अपग्रेड करना है। चलो फटाफट से लोड कराते हैं इसे। वाह स्टोन मिल गया भाई, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे ठीक है ठीक है। अरे भाई वेनम तो बहुत ही खुश होगा, चलो फटाफट से अब स्टोन लेके आते हैं। अरे वाह हल्क तूने तो बहुत अच्छा काम करा, इस स्टोन को अपने सिर पे उठा लिया। अरे हो मैं हूँ ही इतना शक्तिशाली, चलो चलो फटाफट से इसे लेके चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया हमारा हल्क सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अरे मेरे से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। अरे तू तो चुप ही रह, वेनम के बच्चे तेरे सारे काम मेरे को करने पड़ रहे हैं। ब्लैक स्टोन, वाह ब्लैक स्मोक स्टोन बोलते हैं इसे। हो वही बोलते हैं, चलो मैं इसे अपने सिर पे ही रख के गाड़ी पे बैठ जाता हूँ। चलो गाइस फाइनली हमारा काम तो हो गया। अरे भाई 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 तुम लोग कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ मेरे पैसे कौन देगा। अरे निकलो फ्रैंकलिन भैया निकलो, वो अंकल तो अपने बोट के पैसे मांग रहे हैं। अरे हाँ बात तो सही है, 1000 रुपए देने थे ना उन्हें। अरे यार छोड़ो यार बाद में कभी दे देंगे भाई, अभी हमारा काम बहुत अर्जेंट है, हमें फटाफट से ब्लैक स्टोन लेके पहुँचना होगा। अरे भाई 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 ये क्या हो रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया आप यार बातों के चक्कर में सही में यार हम लोगों को खाई में ही गिरा दोगे। अरे हाँ मैं कह रहा था हम लोगों को फटाफट से आइस गॉड के पास पहुंचना होगा। चलो गाइस फटाफट से स्पीड बढ़ाते हैं और आइस गॉड के पास पहुंचते हैं, उसके बाद अपग्रेड करेंगे वेनम को। तो चलो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे आइस गॉड के पास, तो अब यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर देते हैं आराम से प्यार से, और ये मैं उतर चुका हूँ गाड़ी से। अरे फ्रैंकलिन भैया ओ माय गॉड हमारा तो आइस गॉड काफी खुश हो जाएगा। अरे तुम लोग ले आए उस ब्लैक मैजिकल स्टोन को। अरे हाँ ले आए आइस गॉड, ये देखो तुम। अरे देखो आइस गॉड यही है ना वो ब्लैक स्मोक मैजिकल स्टोन। हाँ यही है। अरे अब ये बताओ कि हम लोगों को करना क्या है, मतलब ये जो वेनम का बच्चा है जिसका साइज अभी बहुत ज्यादा कम है और छोटा है, इसको हमें अपग्रेड कैसे करना होगा। इस वेनम को बोलो कि इस ब्लैक मैजिकल स्मोक स्टोन के ऊपर खड़े हो जाए, उसके बाद ये स्मोक मैजिकल स्टोन जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगा। अरे भाई तूने सुना ना। हाँ सुन तो लिया मैंने, चलो फटाफट से काम शुरू किया जाए। ये लो मैं खड़ा तो हो गया लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, तुम्हारा ब्लैक मैजिकल स्मोक स्टोन नकली तो नहीं। अरे ये नकली नहीं होता है। मेरे को तो ये नकली लग रहा है। अरे मैंने बोला ना ये नकली नहीं है, ये अपना असर थोड़े देर में स्टार्ट कर देगा। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगा। क्यों पता चल गया ना मैजिकल स्टोन के बारे में। हाँ, मेरे को तो लगा था ये नकली है। आगे से कभी भी मैजिकल स्टोन को नकली मत बोलना। हाँ, नहीं बोलूंगा। अरे अरे बचा, अरे ये मैजिकल स्टोन मेरे को खा रहा है। अरे तुम्हारे को ये अपग्रेड कर रहा है, खा नहीं रहा। बचाओ ये क्या हो रहा है, बचाओ। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या हुआ यार, वेनम तो गायब हो गया। अरे आएगा आएगा वो, अब सीधा अपग्रेड होके तुम लोगों के सामने आएगा। अरे आने लग गया। अरे फ्रैंकलिन भैया वेट, ये तो सही में बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया साइज में। मेरा नाम है वेनम। अरे वो तो हम जानते ही है लेकिन तू तो अब अपग्रेड हो चुका है। अरे वाह यहाँ से तो दुनिया अलग ही दिखती है। बोला था ना तू अपग्रेड हो जाएगा वेनम। हाँ मैंने सोचा नहीं था कि मैं सही में अपग्रेड हो सकता हूँ। वाह मजा आ गया, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया देख रहे हो आप। अरे हाँ यार मैं देख पा रहा हूँ। ओ माय गॉड ये तो सही में गाइस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया साइज में। वेट मैं तो इसे कम्प्लीटली देख भी नहीं पा रहा हूँ। ओ माय गॉड देख रहे हो गाइस, आप लोग साइज को देख रहे हो। बोला था ना फ्रैंकलिन कि मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कि तुम लोग कैसे उस ब्लैक गॉड के सिर में एंट्री करोगे। तो फाइनली तुम्हारा ब्लैक सुपर हीरो अपग्रेड हो चुका है, अब तुम बाकी इसको बता सकते हो कि करना क्या है। अरे हाँ गाइस मैं अब इसे बाकी के इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि आखिर अब उस ब्लैक गॉड के सिर में एंट्री कैसे करनी है और उस लावा गॉड को कैसे हराना है। लावा गॉड को तो मैं हराने के लिए बेचैन हूँ, उसने मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी शक्तियाँ खत्म कर दी लेकिन अब मैं पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। वाह मजा आ गया, तुम लोग सही में ग्रेट हो। अरे मैंने बोला ही था कि हम ग्रेट हैं, तेरे को पहले से यार हमारे साथ आराम से कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं तू सही में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा शक्तिशाली और बहुत ही मस्त बंदा है जो कि हमारी मदद ज़रूर करेगा। अरे हाँ जो तुम लोग बोलो मैं सब करूँगा। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया आज का दिन तो सही में बहुत ही ज़्यादा मस्त था गाइस। अब बता देंगे हम उन दोनों को यानी कि ब्लैक गॉड को और साथ में उसका जो भाई है वो लावा गॉड का बच्चा। अरे हाँ गाइस ये देखो वो लावा गॉड का बच्चा आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ पे, और ये देखो ब्लैक गॉड का बच्चा ये
रहा। अब गाइस ये दोनों बचने नहीं वाले, तो अगले वाले एपिसोड का आप लोग इंतजार करना। भाई हमारे पास खतरनाक वाला एक अपग्रेडेड लावा गॉड को खत्म करने वाला एक बहुत ही शानदार वेनम आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा मस्त है, अपग्रेडेड वेनम है। तो देखते हैं कि भाई आगे हम लोग कैसे फाइट करेंगे उस खतरनाक वाले लावा गॉड से और ब्लैक गॉड के सिर के अंदर एंट्री करेंगे। गाइस एक और हमारा बहुत बड़ा सा टास्क रहा गया है, यानी कि आयरन मैन का क्या हुआ ये हमें अता पता नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी देर पहले सिग्नल्स आ गए थे, तो हम अभी आयरन मैन को जाएंगे फटाफट से ढूंढने के लिए। गाइस तब तक आप लोग भी जाओ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने खतरनाक वाला वेनम जो है वो अपग्रेड कर दिया है, इसकी पावर्स और इसका साइज दोनों बढ़ चुका है। और गाइस अगर आप लोगों को भी नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो फटाफट से नेक्स्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में लिख दो। और गाइस मैं चला प्लानिंग करने। अरे रुक जा फ्रैंकलिन भैया, मैं आ रहा हूँ। अरे भाई मैं भी आ रहा हूँ, रुक जा।